हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम पढ़ेंगे मेंडल लॉ ऑफ इनहेरिटेंस। ठीक है, आज हम मेंडल के जो इनहेरिटेंस के तीन लॉज थे जिनके बारे में हमने बात की थी पहले, आज हम वो लॉज पढ़ेंगे। ठीक है, मेंडल लॉ ऑफ इनहेरिटेंस। लॉ ऑफ डोमिनेंस यानी कि पहला लॉ कौन सा है? लॉ ऑफ डोमिनेंस। सेकेंड है लॉ ऑफ सेग्रीगेशन और लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमेट्स। थर्ड लॉ है लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। तो इन्हीं तीनों लॉज को हम डिटेल में पढ़ेंगे। सबसे पहले इनहेरिटेंस का मतलब फिर से एक बार देख लेते हैं। इनहेरिटेंस का मतलब जो चीज़ें पेरेंट्स से उनके यंग वंस में यानी कि उनके ऑफस्प्रिंग या उनके चिल्ड्रन में जो ट्रांसफ़र होती हैं, उनको वो बच्चे क्या करते हैं? इनहेरिट करते हैं, उनको गेन करते हैं। तो इसी प्रोसेस को क्या करते हैं, कहते हैं हम इनहेरिटेंस। तो आइए देखते हैं फर्स्ट लॉ, लॉ ऑफ डोमिनेंस। अब डोमिनेंस थोड़ा सुना सुना सा वर्ड हो गया एक। अब हमने पढ़ा था डोमिनेंट और रिसेसिव जीन, है ना? तो ये वही है एक तरह से, तो इसे समझने में आसानी होगी उस तरह से अगर आप समझेंगे, क्योंकि डोमिनेंट डोमिनेंस ऑलमोस्ट सेम है वर्ड। ठीक है, दिस लॉ वॉज बेस्ड ऑन द रिजल्ट ऑफ मोनो हाइब्रिड क्रॉस। अभी मोनो हाइब्रिड क्या है? अकॉर्डिंग टू दिस लॉ व्हेन मोनो हाइब्रिड प्लांट्स हैविंग डिफरेंट कैरेक्टर्स आर क्रॉस्ड, ऑल द प्रोड्यूस प्लांट्स विल शो ओनली वन ऑफ द कैरेक्टर्स। अब सबसे पहले मोनो हाइब्रिड क्रॉस क्या होता है? तो मोनो का मतलब होता है सिंगल, मोनो का मतलब होता है सिंगल, या आप इसको वन भी बोल सकते हैं। मोनो का मतलब होता है सिंगल। ठीक है, तो मोनो हाइब्रिड क्रॉस क्या होता है? जब किसी क्रॉस मैंने बताया था, जब दो पेरेंट के बीच में हम इंटरेक्शन करवाते हैं ताकि यंग वंस बर्थ लें। ठीक है, टेक बर्थ, न्यू जनरेशन आए। ठीक है, तो अगर हमने उसमें सिर्फ एक चीज़ का ध्यान दिया, एक चीज़ का ध्यान दिया क्या मतलब कि अगर हमने क्रॉस किस लिए करवाया? हाइट के लिए। अब यहाँ पे एग्जांपल लिखा हुआ है, देखो टॉलनेस ड्वार्फनेस। अब यहाँ पे टी 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 सारा टी है, यानी कि हमने ये क्यों कराया है? हाइट के लिए। ये वाला क्रॉस क्यों कराया है? यंग वंस की हाइट चेक करने के लिए। ठीक है, तो क्या हुआ, हमने कितनी चीज़ों का ध्यान रखा इसमें? सिर्फ एक, यानी कि हाइट का ध्यान रखा। हाइट का ध्यान रखते हुए हमने क्रॉस कराया है, हाइब्रिड क्रॉस कराया है, तो सिंगल चीज़ का ध्यान दिया तो ये क्या होगा? मोनो हाइब्रिड। मोनो मतलब सिंगल, सिर्फ एक चीज़ के अकॉर्डिंग हमने क्रॉस कराया। वो एक चीज़ क्या है इसमें? हाइट। हाइट, ठीक है, वो एक चीज़ क्या है? हाइट। अगर दो चीज़ों को ध्यान रखते हुए हम कराते क्रॉस, अगर दो चीज़ों से हम क्रॉस करवाते तो वो क्या हो जाता? डाईहाइब्रिड क्रॉस। डाईहाइब्रिड, मैं सिर्फ आगे वाले वर्ड्स लिख रही हूँ, मोनो, डाई और थर्ड क्या है? ट्राई। अगर तीन चीज़ों से हम क्रॉस करवाते हैं तीन चीज़ों का, तो वो क्या हो जाता? ट्राईहाइब्रिड क्रॉस। तो डाईहाइब्रिड क्रॉस में क्या होता कि नहीं, दो चीज़ों की हेल्प लेके क्रॉस कराया जाता, जैसे कि एक हो जाता कलर, एक हाइट। ट्राई हाइब्रिड में क्या होता, तीन चीज़ों को ध्यान रखते हुए कराया जाता क्रॉस, जैसे कि कलर, शेप और एक हाइट। ठीक है, तो मोनो, डाई और ट्राई, इनको ध्यान रखना। ये क्रॉस क्रॉस मतलब दो पेरेंट्स के बीच में इंटरेक्शन, मोनो हाइब्रिड क्रॉस, डाई हाइब्रिड क्रॉस और ट्राई हाइब्रिड क्रॉस। मोनो में सिर्फ एक, डाई में दो, ट्राई में तीन। अभी आप ये आगे के लॉज पढ़ोगे तो मोनो, डाई, ट्राई, हाइब्रिड समझ में आ जाएगा बिल्कुल अच्छे से। तो इस लॉ के अकॉर्डिंग जब मोनो हाइब्रिड प्लांट्स का क्रॉस कराया जाता है जिनके डिफरेंट कैरेक्टर्स हैं, डिफरेंट कैरेक्टर्स, जैसे कि देखो टॉल प्लांट है तो उसके कैरेक्टर्स क्या होंगे? टी टी। हर एक पर्टिकुलर प्लांट में दो टाइप के कैरेक्टर होते हैं, जैसे कि टी टी, कैपिटल टी, कैपिटल टी, ये टॉलनेस का है। अगर दोनों ही स्मॉल टी हैं तो ये स्मॉल ही होगा, अगर दोनों कैपिटल हैं तो ये टॉल होगा, अगर दोनों स्मॉल हैं तो ये स्मॉल होगा,
अगर एक टॉल है एक स्मॉल है तब भी ये टॉल होगा, अगर एक स्मॉल है और दूसरा टॉल है तब भी ये टॉल होगा। ये मैं प्लांट की रिप्रेजेंटेशन बता रही हूँ कि अगर एक जीन ऐसा है तो दूसरा जीन ऐसा है, फिर हमारा क्या क्रॉस का रिजल्ट आएगा। ठीक है, अब दो मोनोहाइब्रिड प्लांट्स का हम क्रॉस कराएंगे तो क्या होगा, ऑल द प्रोड्यूस प्लांट्स विल शो ओनली वन ऑफ द कैरेक्टर्स। अब देखो यहाँ मैंने एक टॉल प्लांट ले लिया, एक शॉर्ट प्लांट ले लिया। अब जो नया जो आएगा हमारे पास, जो भी हमारी नेक्स्ट जनरेशन में आएगा, वो कोई ना कोई किसी एक की ही हाइट शो करेगा। अब देखो यहाँ पे कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी। अभी हमने कैसे किया देखो, इधर ये वाला टी जो है हमारा, ये वाला टी इस वाले टी से क्रॉस होगा, यहाँ पे क्रॉस का साइन दिख रहा है हमें, ये वाला टी इस वाले टी से क्रॉस होगा तो क्या बनेगा, कैपिटल टी स्मॉल टी। तो ये यहाँ पे लिखा हुआ है कैपिटल टी स्मॉल टी। अब ये वाला करेगा, ये वाला क्रॉस करेगा और ये वाला क्रॉस करेगा, तो कितना है, क्या आएगा, कैपिटल टी स्मॉल टी। तो इसी तरह से जब बार बार क्रॉस कराएंगे हम, एक बार इसका इससे, फिर इसका इससे, फिर इस वाले का सेकंड वाले का फर्स्ट वाले से, फिर सेकंड वाले का सेकंड वाले से, इस तरह से हम क्रॉस करेंगे तो चार रिजल्ट आएंगे हमारे पास में। तो ये क्या रिजल्ट है, अब मैंने यहाँ पे तुम्हें बताया था, थोड़ा मैसी है यहाँ पे, देखो इसमें मैंने बताया था कि बस एक कंडीशन में, जैसे कि स्मॉल टी और स्मॉल टी वाली कंडीशन में ही प्लांट स्मॉल होगा, बाकी सारी कंडीशन में प्लांट टॉल होगा। तो यहाँ पे देखो इस कंडीशन में, इन तीनों कंडीशंस में क्या होगा प्लांट, इन सारी कंडीशन में जितने भी चारों यंग वंस पैदा हुए हैं, इन दोनों प्लांट के, एक टॉल और एक ड्वार्फ प्लांट के क्रॉस से जो चार यंग वंस पैदा हुए हैं उनके क्रॉस से, सारे के सारे कितने हैं, कैसे हैं, टॉल हैं, कैपिटल टी मीन्स टॉल। ठीक है, अब एफ वन जनरेशन है ये, अब एफ वन जनरेशन में कौन थे, कैपिटल टी स्मॉल टी और एक हमने क्या करा दिया, स्मॉल टी का क्रॉस करवा दिया। ठीक है, अब जब इनका क्रॉस हुआ तो देखो एक डबल कैपिटल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, यानी कि ये और ये हमारे कैसे होंगे, टॉल, और ये वाला कैसा होगा, शॉर्ट, या फिर हम ऐसे भी लिख सकते हैं स्मॉल टी। आई ये चीज़ समझ में, यानी कि लॉ ऑफ डोमिनेंस, यानी कि जो बड़ा होगा, बड़ा यानी कि कैपिटल मान लो एक तरह से, जो कैपिटल होगा वो ही डोमिनेट होगा, वो ही नेक्स्ट जनरेशन में आएगा। ठीक है, अब देखो द कैरेक्टर दैट अपीयर्स इज डोमिनेंट। अब जो कैरेक्टर ट्रांसफर हुआ है और जो दिख रहा है, जैसे एक प्लांट टॉल था एक शॉर्ट था, अब उन दोनों का क्रॉस कराया तो उनकी नेक्स्ट जनरेशन में जो प्लांट है वो टॉल है, यानी कि टॉलनेस क्या है, डोमिनेंट जीन, यानी कि वो रिसेसिव जीन को कम कर देता है, रिसेसिव के नेचर को। ठीक है, फिनोटाइपिक रेशो 3 tall 1 dwarf। फिनोटाइपिक क्या होता है, मैंने बताया था फिनोटाइपिक जीन क्या होता है, फिजिकल अपीयरेंस कैसी है, तीन तो टॉल है, यहाँ पे देखो एक दो तीन तो टॉल है, ये देखो नीचे वाले में F2 जनरेशन में एक दो तीन तो टॉल है और एक शॉर्ट है, तो इसका रेशो क्या हुआ, 3 tall 1 dwarf या फिर 1 short। ठीक है, अब नेक्स्ट है लॉ ऑफ सेग्रीगेशन और लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमेट्स। गैमेट क्या होते हैं, सेक्स सेल्स होते हैं, और सेक्स सेल्स कितने टाइप के होते हैं, एक फीमेल सेक्स सेल होता है और एक मेल सेक्स सेल होता है, तो वही गैमेट्स होते हैं। ठीक है, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, सेग्रीगेशन मतलब डिवीजन या फिर डिवाइड, सेग्रीगेशन को हम डिवाइड बोलते हैं या फिर डिवीजन भी बोल सकते हो। ठीक है, और गैमेट्स का मतलब मैंने बता दिया, सेग्रीगेशन का मतलब डिवाइड, यानी कि लॉ ऑफ डिवीजन या फिर लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ सेक्स सेल्स, हम इसको इजी लैंग्वेज में समझने के लिए ये बोल सकते हैं। द टू अलील, इसको अलील बोलते हैं, हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था ये अलील, और कैरेक्टरिस्टिक सेपरेट ड्यूरिंग गैमेट फॉर्मेशन, अ टी टी प्लांट कैन प्रोड्यूस बोथ टी स्पर्म एंड टी स्पर्म। यहाँ पे कैपिटल टी लिखना चाहिए था, कैपिटल टी स्पर्म, इसको थोड़ा चेंज कर देंगे, ये मिस्टेक है, कैपिटल टी स्पर्म भी बना सकता है और स्मॉल टी स्पर्म भी। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन देखो, यानी कि अगर एक जीन है ये, जैसे कि कैपिटल टी स्मॉल टी, तो इसका मतलब क्या है, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन का क्या मतलब है, कि ये दोनों डिवाइड हो सकते हैं, लॉ ऑफ डिवीजन एक तरह से, ये दोनों डिवाइड हो सकते हैं, यानी कि ये जो प्लांट है वो एक टॉल प्लांट भी बना सकता है और एक शॉर्ट प्लांट भी बना सकता है। ठीक है,
लॉ ऑफ सेग्रीगेशन का मतलब यही है कि जो एक प्लांट है उसके जीन्स से दोनों टाइप के प्लांट्स बन सकते हैं, ये हमने एग्जाम्पल लिया है, ठीक है। अप्लाइंग लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, अब देखो यहाँ पे कैपिटल टी स्मॉल टी फीमेल पेरेंट है, इसमें क्या है, एक कैपिटल टी है एक स्मॉल टी है, ठीक है। अब हमने जब कैपिटल टी स्मॉल टी को क्रॉस करवाया, कैपिटल टी स्मॉल टी एक इधर मेल पेरेंट है, देखो इधर फीमेल पेरेंट है इधर मेल पेरेंट है, जब हमने दोनों का क्रॉस करवाया, ठीक है, तो ए के पास कैपिटल टी ए के पास स्मॉल टी, फीमेल में भी ए के पास कैपिटल टी दूसरे में स्मॉल टी, तो कैपिटल टी ये वाला कैपिटल टी ये वाला कैपिटल टी कितना आया, कैपिटल टी कैपिटल टी, ठीक है। इन दोनों का क्रॉस हुआ है अभी, इसका और इसका क्रॉस हुआ है अभी, तो दोनों कैपिटल है, समझ में आया। अब इस वाले का और इस वाले का क्रॉस होगा, तो कैपिटल टी और स्मॉल टी, उसके बाद में स्मॉल टी कैपिटल टी, ये देखो यहाँ लिखा हुआ है स्मॉल टी कैपिटल टी, उसके बाद स्मॉल टी और स्मॉल टी, यानी कि ऐसे पहले फर्स्ट वाले का फर्स्ट वाले से, फर्स्ट वाले का सेकंड वाले से, फिर सेकंड वाले का फर्स्ट वाले से और सेकंड वाले का सेकंड वाले से, इस तरह से हम क्रॉस करवाते हैं। तो क्या निकला रिजल्ट हमारा, ये वाला भी टॉल है, ये वाला भी टॉल है, ये वाला भी टॉल है, ये वाला शॉर्ट है, तो हमारा रेशो कितना आया है, 3:1, यानी कि तीन इसमें से तो कैसे हैं टॉल और वन कितना है शॉर्ट है, एक शॉर्ट है, ठीक है। अब मैंने बताया था कि अगर कैपिटल टी हो और दूसरा भी कैपिटल टी हो तो ये टॉल होगा, कैपिटल टी हो दूसरा स्मॉल टी हो तब भी ये टॉल होगा, अगर एक स्मॉल टी हो, या यही कंडीशन लेते हैं, अगर एक स्मॉल टी हो और दूसरा भी स्मॉल टी हो तो वो होगा शॉर्ट, ठीक है। और हम हमेशा बड़े वाले कैपिटल वाले लेटर को पहले लिखते हैं, स्मॉल वाले को बाद में लिखते हैं। अब इसमें दोनों ही स्मॉल थे तो कैसे भी लिख लो कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है, ये वाला स्मॉल है स्मॉल, ठीक है। यह है लॉ ऑफ सेग्रीगेशन या फिर लॉ ऑफ डिवीजन भी बोल सकते हो आप इसे, ठीक है। अब नेक्स्ट लॉ है हमारा लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। अब देखो, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ जीन्स ऑफ डिफरेंट ट्रेड्स डिवाइड इंडिपेंडेंटली ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स, यानी कि डिफरेंट ट्राइड्स के जो गैमेट्स होते हैं वो अपने हिसाब से डिवाइड होते हैं, दे आर पास्ड इंडिपेंडेंटली फ्रॉम पेरेंट्स टू यंग वंस, यानी कि पेरेंट्स से यंग वंस में वो अपने हिसाब से ही ट्रैवल करते हैं इंडिपेंडेंटली। इनहेरिटेंस ऑफ वन इज नॉट डिपेंडेंट ऑन अनदर, यानी कि एक दूसरे के जीन की डिपेंडेंसी नहीं होती, जैसे कि कैपिटल टी और स्मॉल टी, ये एक दूसरे पे बिल्कुल भी डिपेंडेंट नहीं है, ठीक है, एक दूसरे पे बिल्कुल भी डिपेंडेंट नहीं है। देखो अब इधर, अब हम सीड्स की बात करेंगे, हमने पी प्लांट के बारे में पढ़ा था, पी प्लांट गार्डन पी प्लांट के बारे में हमने पढ़ा था, ठीक है। तो इधर देखो, एक हमारे पास प्लांट हो, एक हमारे पास पी होती है येलो कलर की, और एक है हमारे पास ग्रीन, और एक है राउंड येलो, और एक है रिंकल ग्रीन सीड, ठीक है। तो हमने राउंड येलो को कैसे लिखा है, कैपिटल आर वाई वाई, क्योंकि ये डोमिनेंट है, जो डोमिनेंट होता है हम उसे, यानी कि जो पास होगा, जो ज़्यादातर पास होगा, अब देखो यहाँ पे ज़्यादातर येलो है ना, तो जो ज़्यादातर पास होगा उसको डोमिनेंट, और जो कम होगा उसको रिसेसिव, ठीक है। अब हमने रिसेसिव वाले को कैसे लिखेंगे, स्मॉल करके, ये पढ़ा था हमने स्टार्टिंग में, डोमिनेंट यानी कि उसको तो हम लिखेंगे कैपिटल करके और रिसेसिव वाले को स्मॉल करके लिखेंगे, तो ये क्या है, पेरेंटल जनरेशन, ये वाली हमारी पूरी क्या है, पेरेंट्स जनरेशन है ये पूरी, ये वाली जनरेशन क्या है, पेरेंट्स की है। अब इसके बाद क्या हुआ, एक आर जाएगा इसमें से जीन्स के लिए, किस क्या जाएगा, एक कैपिटल आर एक कैपिटल वाई, समझना इस चीज़ को, कॉम्प्लिकेट मत करना, देखो यहाँ एक R जाएगा और एक Y, क्योंकि यहाँ पे दोनों कॉमन है, दो R है दो Y है, जिसमें भी दो R है दो Y है, तो एक में कैपिटल R कैपिटल Y, स्मॉल R स्मॉल Y, तो इससे मिलके क्या बना, एक स्मॉल कैपिटल R स्मॉल R, कैपिटल R स्मॉल R, कैपिटल Y स्मॉल Y, कैपिटल Y स्मॉल Y, यानी कि एक नया सीड बन गया। अब हमने क्या कराया, इसका सेल्फ पॉलिनेशन कराया, सेल्फ पॉलिनेशन यानी कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का ही एक पार्ट सेल्फ पॉलिनेशन कराया हमने इसका। ये सीड क्या है, येलो राउंड सीड, येलो राउंड सीड, ठीक है।